ऐसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरा नाम है शिफाली मैं शेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ तो अभी मैं सुबह सुबह ना बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करने में लगी हुई थी बहुत सारा सामान ऐसा था जिसको डब्बा में डालना था और बहुत सारा चीज़ जो था साइड में उसको रखना था क्योंकि अभी उसका जरूरत नहीं था तो राशन तो ऐसे में सारा जितना भी ग्रॉसरी का शॉपिंग करके आई थी सब कुछ एडजस्ट ऑलमोस्ट कर ली थी बट अभी होली है उसके लिए कुछ चीज़ ख़त्म हो गया है तो उसको डब्बे में वापस डाल रही थी और कुछ चीज़ मेरा पहले से ख़त्म हुआ था वो सब नहीं रखी थी वो सब रख रही थी तो बहुत सारा बिस्किट आया था और बहुत सारा चीज़ ऐसा था जो मुझे वापस से डब्बा में डालना था तो ये सुबह सुबह ना सबसे पहले मैं यही कर रही थी और बहुत लेट उठी थी आज आठ बजे सो के उठी थी बहुत ज़्यादा लेट बहुत ज़्यादा लेट और अभी आरू का स्कूल नहीं है तो एकदम अपना मन का मालिक मैं बनी हुई हूँ मतलब मेरा जब मन करता है तब उठ रही हूँ तो मतलब जैसे ही मॉर्निंग चार अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है तो स्कूल मॉर्निंग ही होगा उस वक्त तब ना मेरी नानी दादी मुझे याद आएगी बहुत ज़्यादा अखरेगा क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा आराम से उठ रही हूँ कि मतलब उस समय बहुत ज़्यादा मॉर्निंग स्कूल होता तो और भी मॉर्निंग में मुझे उठना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना टेंशन हो रहा सोच के अभी से क्योंकि मैं मजे से अभी साढ़े सात कभी आठ बजे उठते उठती हूँ कभी सात ही बजे उठ जाती हूँ तो अभी मेरा मन का चल रहा है एकदम और अनुपज जी भी नहीं होते हैं ड्यूटी रहते हैं सात बजे तो वो खुद ही आते हैं तो उनको मतलब जो वो घर में आते हैं तो मैं कुछ देर बात करके फिर सो जाती हूँ तो अभी ना डब्बा में मेरा मैदा ख़त्म हो गया था सूजी ख़त्म हो गया था चायपत्ती ख़त्म हुआ हुआ है और बहुत सारा चीज़ है राइस फ्लोर जो चावल का आटा है वो सारा मैं डाल रही थी क्योंकि होली में ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ने वाला है तो सबको वापस से डब्बा में भर भर के रख रही हूँ सारा खत्म हो गया था रिफिल करना था मुझे बहुत दिन से मैं सोच भी रही थी कि सबको ऐसे रख देना है तो अभी सुबह में मैं सबको गर्म पानी दे देती थी और मैं हमेशा जब आता है आपको नींबू का चाय पीती हूँ लेमन टी वो पीती हूँ और सैटरडे व्लॉग है तो आज खिचड़ी बनेगा तो खिचड़ी के लिए आलू सबसे पहले उबाल के रख ली थी ताकि सबसे पहले मैं चोखा बना लूँगी और धनिया पत्ता का चटनी खिचड़ी यही सब तो वो सब कर रही थी और मेरा नमक भी थोड़ा सा खत्म हो गया था डब्बा मतलब पैकेट ऐसे ही रखा हुआ था मैं सोची चलो इसको वापस से सब डाल ही देती हूँ और कल के ब्लॉग में जो भी मैं दिखाई थी ना जितना भी ग्लास का चीज़ था या फिर जो भी शीशा का चीज़ था और जो भी खरीद के लाई थी होली के लिए वो सारा चीज़ को मैं ना अच्छे से वॉश कर रही हूँ सारा ट्रे हो रही हूँ ताकि सब साफ़ सुथरा रहे तो जब मैं निकाल के किसी को सर्व करूँ तो ऐसा नहीं गंदा संदा ऐसे निकाल के दे देना है तो वो सारा क्लीन कर रही हूँ सारा बोल साफ़ कर रही हूँ और जितना भी ट्रे है सबको अच्छे से धो साफ के साफ़ करके ये सब मैं खुद कर रही हूँ क्योंकि अगर हेल्पर करेगी तो वो एक ना एक चीज़ तोड़ ही देती है मेरा सब फूट हो जाता है तो मैं खुद से ये सारे काम करती हूँ जितना भी मतलब शीशा का जितना भी चीज़ होता है मैं कोशिश करती हूँ खुद से धो लूँ उसको मतलब उसके आने से पहले ही मैं सारा के हटा रही हूँ अगर उसके सामने रहा ना तो वो टन टन कहीं ना कहीं गिरा देगी और कहीं ना कहीं, कहीं वो तोड़ देती है उसका भी गलती नहीं है बट मैं कोशिश करती हूँ कि उससे बचा के रखूँ ये सारी चीज़ें नुकसान मेरा ही हो जाता है तो सबको अच्छे से धो के रख दी साइड में सबका पानी अच्छे से निकल जाएगा तो अच्छे से कपड़ा से पोछ पोछ के पोछ पोछ के वापस से सबको अच्छे से रख देना है ताकि होली के दिन मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है सारी चीज़ों की और वो सब करने के बाद ना मैं आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ और आरू का आज टेस्ट है तो उसका तैयारी भी साथ में कराना था तो उसको बैठ के पढ़ा रही थी बीच बीच में और ये जो गरम मसाला मैं सुखाई थी ना आपके पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा मैंने निकाली थी तो ये सबको आज ना जार में डाल के और इसको अच्छे से एकदम एकदम पाउडर बना के मैं रखती हूँ ताकि जो मतलब ढेर सारा होता है ना तो पीसता नहीं है तो मैं क्या करती हूँ पहले एक बार अच्छे से पीस के उसके बाद छन्नी से अच्छे से छान लेती हूँ मतलब जो आपके पास चलनी होता है ना उससे मैं ऐसे ऐसे कर लेती हूँ जितना भी पाउडर होता है वो निकल जाता है फिर जो एक्स्ट्रा बचता है फिर से उसको पीसती हूँ ऐसे करते करते ना एकदम पाउडर बना देते हैं उस सारा को और इससे ऐसे अगर कर आप करेंगे ना तो आपका गर्म मसाला काफी दिन तक चलेगा ढेर सारा हो जाता है तो जो, जो अच्छे से पिस गया उसको मैं डाल रही हूं और जो नहीं पिसा था उसको फिर से जार में डाल के फिर से एक दो बार चलाऊंगी बस वो एकदम पाउडर हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी मेरा पूरा डब्बा भर के ये गरम मसाला हुआ है पहले से भी थोड़ा सा था एकदम थोड़ा सा जहाँ पे मेरा थाम है और उसके उसको भी डाल के फिर से अच्छे से एक बार चला दी थी मिक्सर को तो एकदम अच्छे से पाउडर हो गया तो ये भर गया है अभी और है वो अभी धीरे धीरे करके उसको पीसती जाऊँगी और सारा कम्प्लीट हो जाएगा मेरा और मेरा जीरा पाउडर भी खत्म हो रहा है तो सोची चलो जीरा भी सुखा देती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा भयंकर धूप आ रहा है उधर तो दो तीन दिन बारिश हुई तो मौसम बहुत अच्छा रहा बट अब एकदम कड़ा वाला धूप आ रहा है ये धूप में अगर आप थोड़ा सा बैठेंगे ना तो एकदम आप जल जाएंगे तो वो सोचे कि चलो इसको सुखा ही लिया जाए और जीरा के साथ मैं थोड़ा सा गोलकी डाल रही हूँ हमेशा मेरी माँ डालती थी तो मैं भी थोड़ा सा डाल दे रही हूँ और उसको भी धूप पे रख के आराम से यहाँ पे कपड़ा उठा के आई थी कल वाला कपड़ा जो बहुत लेट से मेरी हेल्पर धोई थी वो सारा सूख गया था तो उसको ला के तह लगा लगा के रखना है अगर ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो मेरा दिन भर ऐसे ही रह जाएगा कपड़ा कपड़ा मतलब समेटना सबसे बेकार काम लगता है मुझे तो मैं यहाँ फटा फटाफट से सोची चलो सबसे पहले यही कर लेते हैं कपड़ा भी समेट के रख दूँगी आरु को साथ ही साथ दे दी थी खाने के लिए और वो नहा धो के रेडी है क्योंकि सर आने वाले थे सर तो काफ़ी लेट आए थे पौने पाँच में बट उसका होता है ना ट्रेस था तो उसका तैयारी भी कराना था उसके सर, मतलब सर कॉल कर रहे थे तैयारी करो तैयारी करो और यहाँ पे सारा कपड़ा नुबजी का अपना आलू का सब को तह लगा के रख दे रही हूँ बहुत निश्चिंत होती हूँ जब ये सब काम हो जाता है उसके बाद मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने क्योंकि बहुत लेट हो गया था आई थिंक ग्यारह बज गया था और बहुत लेट हो जाता तो फिर मन नहीं करता यहाँ पर फटाफट से दोपहर का लंच बना हुआ था मतलब खिचड़ी बनाई थी वो सब मैं शूट नहीं करी हूँ क्योंकि हमेशा डेली मैं आपको एक ही चीज़ दिखाती हूँ खाना पीना तो मतलब सोचे चलो थोड़ा डिफरेंट बनाया जाए और मैं कोशिश करती हूँ ना मैं सुबह से लेकर रात तक का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँ इतने अच्छे से मैं डिस्क्राइब करती हूँ पर फिर भी यूट्यूब मेरा वीडियो वायरल नहीं करता है बहुत गु़स्सा आता है मैं सच्ची बता रही हूँ बहुत गु़स्सा आता है एक दो बार वीडियो मेरा बहुत अच्छा व्यूज़ पर गया है बट मैं चाहती हूँ कि मेरा एक दो वीडियो बहुत अच्छे से वायरल हो आ, खुशी होगा मतलब इतना मेहनत करती हूँ ना तो बहुत मतलब मन करता है कि अरे वायरल कैसे होता है वो भी मेरा हो जाए मैं भी देखना चाहती हूँ तो यहाँ पे शाम में चाय बना रही थी क्योंकि सर आए हुए थे सर चाय पीने के लिए मना कर दिए थे पर फिर भी मैं अपने लिए बना रही थी जब मैं चढ़ा दी थी चाय तो सर बोले नहीं बोलो कि मम्मा को चाय नहीं बनाएंगी तो यहाँ पे फटाफट से चाय बना रही थी उसमें मेरा चाय पत्ती भी ख़त्म हो गया था चलो चलो इसको फटाफट से इसको भी डाल ही देती हूँ इसको क्यों छोड़ू तो इसको भी डाल रही थी साथ में लौंग जो है ना वो मेरा ख़त्म हो गया था गर्म मसाला का लौंग भी यूज़ कर रही थी बट हम सोची लौंग अलग से है ही तो उसको मैं अलग से छोटा सा डब्बा में निकाल के रख दी क्योंकि चाय में मैं हमेशा लौंग इलायची ये सब डालती हूँ बहुत अच्छा लगता है टेस्ट और आधी अगर डालना है तो अब डालो मैं बहुत कम गर्मी में तो बहुत कम यूज़ करती हूँ अदरक क्योंकि ऐसे ही बहुत ज़्यादा मुँह सूखता है और उसको अगर आप चाय में डाल के पीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा सूखेगा तो यहाँ पे चपत्ती निकाल के इसको अच्छे से स्टैपल स्टेपल कर दे रही थी ताकि जब मैं ड्रम में डालूँ तो ये इधर उधर से होता है ना तो गिर जाता है और गरम चाय चढ़ गया है मेरा और यहाँ पे स्लैब पोछ रही हूँ गैस पोषती रहती हूँ और कल हमारा हो गया होलिका दहन तो आज बहुत सारा सब्ज़ी बोली थी लाने के लिए अनुप अच्छे से सब्जी नहीं लाएं कल संडे मार्केट लगेगा तो कल पक्का सब्जी आएगा संडे को ही होलिका दहन है तो यहाँ पे साग बोली थी क्योंकि हम लोग के यहाँ कल कढ़ी बड़ी साग बनता है ये दम एकदम जरूरी चीज़ है तो साग आ गया लाल वाला साग नहीं मिला तो पालक का साग युपची ले आए कोई भी साग है साग से मतलब है साग आ गया और सब्जी वगैरह ला के दिए थे कि मतलब कल होता है ना हमारे घर में पकौड़ा वगैरह सब बनता है और सब्ज़ी वगैरह जो भी था वीन चार दिन मार्केट बंद रहेगा होली के कारण तो मैं कोशिश करी पहले ही सब कुछ मंगवा के फ्रिज में भर देने के लिए और फिर चार पाँच छः दिन एकदम निश्चिंत रहेंगे क्योंकि होली के बाद बहुत थकावट भी हो जाता है तो यहाँ पे मैं चली गई थी खाने लेस क्योंकि आरू लेके गई थी और इसके पापा खा रहे थे मैं मेरा ख, मेरा वाला चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो मैं जाके खा लेती हूँ उसके बाद सब्जी सब रखा जाएगा तो यहाँ पे बस फटाफट से सारा सब्जी अरेंज कर रही थी सब्जी रखना भी एक काम ही होता है हम हाउस वाइफ के लिए तो हर काम ही काम होता है आ, और मैं बहुत परेशान रहती हूँ समटाइम्स ना मैं इतना असर फील करती हूँ कोई तो होता कोई तो होता जो मेरा साग साफ कर देता कोई तो होता मेरा चना निकाल देता कोई तो होता जो बैठ के लाओ बेटा मैं धो देती हूँ ये कर देती हूँ मतलब मेरी माँ लोग रहती थी ना जब मायके में जाती थी शादी के बाद तो कुछ बना देती थी तो वो माँ बहुत हेल्प करती थी तो बहुत याद आता है माँ का और यहाँ पे ब्रेड का जो साइड वाला पार्ट होता है ना पार्ट उसको सुखा के अच्छे से इसको पीस दे रही तो ये ब्रेड क्रम हो गया और इसको यूज़ करूँगी होली में या फिर रख दूँगी डब्बा में पैक करके फ्रीज में कभी भी कुछ भी ऐसे होता है ना ब्रेड पकौड़ा वो सब में इसको कोट करने से बहुत मतलब अच्छा कुरकुरा बनता है और यहाँ पे मैं आ गई किचन में किचन में आके सबसे पहले मैं खाना बना रही हूँ रात का क्योंकि आरू अनूप जी का है नाइट शिफ्ट तो यहाँ पे भिंडी का सब्ज़ी आलू बीन्स का भिंडी का भुजिया आलू बीन्स का सब्जी और रोटी सिंपल और सैलड तो यहाँ पे फटाफट फट से भिंडी काट के उसका भुजिया बनाऊंगी बहुत ही सिंपल हल्दी नमक के और ऐसे वाला भिंडी का भुजिया बिहार में तो बहुत लोग मतलब हमेशा यही बनता है मेरे घर में तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और यहाँ पे आलू बीन्स को अच्छे से धो के वॉश करके अच्छे से फ्राई करके पानी डाल के सब्जी मेरा बन गया आज कोई भी मैं खाना का व्लॉग आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ रेसिपी भी नहीं क्योंकि सम्... सिंपल सिंपल चीज़ बनाई थी कुछ खास तो सा बना नहीं था और यहाँ पे फटाफट से आटा गूँध के गर्मा गर्म रोटी बनाई हूँ और रोटी मेरा अच्छा नहीं बनता है सब कुछ ठीक से बना लेती हूँ पर रोटी मेरा हमेशा आड़ा टेढ़ा बनता है मेरा कोई मतलब मेरा, मेरा प्रॉब्लम है मेरे से रोटी अच्छा नहीं बनता रोटी बन गया था फिर इसमें घी लगाई थी और घी लगाने का स्टाइल मेरी माँ का है वही मैं फॉलो करती आ रही हूँ हमेशा हमेशा करूँगी तो ये बस मेरा खाना बन के रेडी हो गया साढ़े आठ हो गया था मैं सोच गया न कुछ को खाना दे देती हूँ थोड़ा खा के रेस्ट कर लेंगे दस से बीस मिनट उसके बाद ड्यूटी जाएंगे तो ये मेरा रात का दिन डिनर है आ, कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा मतलब देखने से तो अच्छा लग रहा था फिर हम अनूप जी चले गए मैं यहाँ पे फेस वॉश कर रही थी और उनका जाने का टाइम हो गया और मैं अपना क्लिनजिंग मिल्क से क्लीन करके अपना फ़ेस वॉश कर रही थी उसके बाद जाऊँगी अपना नाइट केयर जो भी करती हूँ स्किन का वो करती हूँ उसके बाद हम लोग सोएंगे क्योंकि आज दिन भर बहुत सारा काम करी रही हूँ आपको व्लॉग में जितना देखने को मिला ना उससे कहीं ज़्यादा